मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी बेसिकली क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है. क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. मतलब क्या हुआ कि जो मेटल्स रहते हैं वो मिलते हैं पत्थरों में. जिन पत्थरों में वो मिलते हैं उन पत्थरों को हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं. हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल्स. तो मिनरल्स क्या होते हैं? ये एक नेचुरली अकरिंग रॉक होता है या सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जिसमें वो एलिमेंट मिलता है, ठीक है ना, इन विच अ गिवन एलिमेंट. इस फॉर्म, ठीक है ना. लेकिन सारे मिनरल्स और नहीं होते, सारे मिनरल्स और नहीं होते. वो मिनरल्स और होते हैं जिसमें से उस एलिमेंट को हम लोग क्या कर पाए, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए. तो और क्या होते हैं? मिनरल्स फ्रॉम विच अ गिवन मेटल. कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबल, ठीक है. यानी कि अगर मेरे पास कैल्शियम की चार मिनरल है तो उसमें से और सिर्फ वही होगी जिसमें से हम उसको क्या कर पाए, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए. जिसमें से हम लोग क्या कर पाए, उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए. मतलब जिसको क्या करे, जिसपे उस मेटल का कंटेंट पहली बार क्या हो, ज्यादा हो, जिसमें इम्प्योरिटीज क्या हो, कम हो, जिसका प्रोसेस जो हो इजी हो, तो वो वाली क्या कहलाएगी, और कहलाएगी. बाकी सारे क्या कहलाएंगे, उसके मिनरल्स कहलाएंगे, ठीक है. अब जो ओर होती है उसमें क्या होती है, बहुत सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है ना. फिजिकल इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में होती है? डस्ट, डर्ट, अर्थ पार्टिकल्स. तो ये जितनी भी सैंड, ये सारी जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंड. क्या कहते हैं? तो अगर तुमको वन मार्कर्स में आता है कि गैंड क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे वो सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज जो किस में मिलती है, गिवन और में मिलती है, जैसे कि अर्थ के पार्टिकल, सैंड, वो सबको हम लोग क्या कहते हैं, गैंड, ठीक है ना. नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं. देखो सबसे पहला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ. सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का सिंपल शब्दों में मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ गैंग. क्या होता है? रिमूवल ऑफ गैंग मतलब अर्थ पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, जितनी भी ऐसी इंप्योरिटीज है जिनको आप लोग क्या कर सकते हो, फिजिकल मेथड से निकाल सकते हो. उनको क्या करेंगे हम लोग, पहले निकाल लेंगे, और इस निकालने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. अब जब हम लोग एक ओर को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं एक ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो उसके बहुत सारे क्या होते हैं, तरीके होते हैं. क्या होते हैं? बहुत सारे तरीके. सबसे पहला होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग. क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक ओर लेते हैं, उसको क्रश कर देते हैं पूरी तरीके से, और उस पे से पानी फेंक देते हैं. क्या करते हैं? पानी फेंक देते हैं. यानी कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक वुडन स्लैब वो लिया, प्लैंक लिया, इस पे मैंने क्या डाल दी, एक क्रश्ड ओर डाल दी. क्या डाल दी? क्रश्ड ओर डाल दी. और अब इस क्रश्ड ओर पे मैं क्या करूंगी, पानी डालूंगी. इस क्रश्ड ओर पे मैं क्या डालूंगी, पानी. तो क्योंकि ओर मेटल कंटेन करती है तो वो हैवी होती है,
लेकिन जो इम्प्योरिटीज होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, लाइट होती है। तो जो इम्प्योरिटीज रहती है वो पानी के साथ क्या हो जाती है, इधर पे आ जाती है, और जो ओर रहती है वो क्या करती है, इस वुडन प्लैंक पे ही रह जाती है। तो सिंपली पानी से धोना है इसका हाइड्रोलिक वॉशिंग एनसीईआरटी में। अभी हम लोग यहाँ पर चार तरीके देखेंगे किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के, एनसीईआरटी में एक भी नहीं, ठीक है, यानी कि बोर्ड में आएगा भी नहीं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में करवाया होगा इसलिए मैं भी करवा दू, ठीक है ना। नेक्स्ट, सेकेंड तरीका होता है इसका मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकेंड तरीका क्या होता है इसका, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन सिर्फ आयरन और आयरन लाइक ओर्स, मतलब वो सारी ओर्स जो किससे अट्रैक्ट हो जाती है, आयरन से अट्रैक्ट हो जाती है, उनके लिए यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है। क्या होता है इसमें, हम लोग क्या करते हैं, क्रश्ड ओर ड्रॉप करते जाते हैं, इसमें हम लोग क्या करते जाते हैं, क्रश्ड ओर ड्रॉप करते जाते हैं, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट क्या करता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है, तुमने देखा होगा एयरपोर्ट पे भी रहता है इस तरीके की चीज। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट रहता है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, ओर ड्रॉप करते जाते हैं, और यहाँ पर एक मैग्नेट फिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, मैग्नेट फिक्स कर देते हैं। अब जो ओर होगी वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी, जो ओर होगी वो तो किससे अट्रैक्ट होगी, मैग्नेट से। तो कन्वेयर जो ओर है वो यहाँ तो इधर आके चिपक जाएगी, या फिर यहां से गिर के क्या करेगी, एक इधर पे आके अपना हीप बना लेगी, ठीक है ना। और जो इम्प्योरिटीज होगी वो क्या नहीं करेगी, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो क्योंकि इम्प्योरिटीज जो रहेगी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो वो क्या करेगी, सीधी सीधी नीचे गिर जाएगी इधर पे। तो जो इम्प्योरिटीज रहेगी वो एक सेपरेट हीप बना लेगी, और जो ओर है वो क्या करेगी, एक अपना अलग से डल्ला या हीप बना लेगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज योर मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है ना। फिर तीसरा तरीका होता है इधर फ्रॉथ फ्लोटेशन। ठीक है ना, फ्रॉथ फ्लोटेशन जैसे हमने बोला ना, मैग्नेटिक सेपरेशन जो रहता है वो स्पेसिफिकली आयरन और आयरन लाइक, मतलब जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली ओर्स रहती है उनके लिए यूज होता है। वैसे ही फ्रॉथ फ्लोटेशन स्पेसिफिकली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर्स। देखो ओर्स क्या होती है ना, जो गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम रहती है, ये सबकी तो ओर्स ज्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि ये जनरली नेचर में नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी चीज में बहुत नीचे लाया करते हैं, तो अपने प्योर स्टेट में ही मिलते हैं। मतलब गोल्ड ज्यादा किसी से रिएक्ट करके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड नहीं बनाएगा, सिल्वर भी बहुत कम रिएक्ट करता है, और प्लैटिनम लैटिनम भी कम वो रिएक्ट करता है। जैसे जैसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में क्या करते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, वैसे ही हमको अब ओर्स मिलना स्टार्ट होगी। तो जनरली जो ओर्स मिलती है वो कौन से फॉर्म में होती है, सल्फाइड के फॉर्म में होती है, कार्बोनेट के फॉर्म में होती है, ऑक्साइड के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। मोस्ट ओर्स तुम लोग को कहा लग जाएगी, या तो सल्फाइड, या तो कार्बोनेट, या तो ऑक्साइड, ठीक है। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर्स के लिए। तो मैंने क्या करा, एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में क्या कर दिया, पानी डाल दिया। इस कंटेनर में क्या कर दिया, ठीक है, तो इस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर में हम लोग वॉटर प्लस क्रश्ड ओर लेंगे, ठीक है। वाटर और क्रश्ड ओर डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस इसमें पाइन ऑयल डाल देंगे। क्या करेंगे, पाइन ऑयल। पाइन ऑयल डालने का पर्पस क्या रहता है, कि पाइन ऑयल से स्पेसिफिकली सल्फाइड ओर जाके क्या करती है, चिपकती है, ठीक है। तो सल्फाइड ओर का स्पेशल प्यार होता है इसके साथ, पाइन ऑयल के साथ, ठीक है। तो ये पाइन ऑयल से जाके स्पेसिफिकली क्या करेगी, चिपक जाएगी। जब हम लोग यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे, जब तुम बच्चे थे तब तुम लोग करते होगे ना, कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालते थे तो बबल्स बनते थे, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर डालेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी क्या बन जाएगी, फ्रॉथ बन जाएगी। फ्रॉथ मतलब क्या होता है, झाग, फोम,
लेदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फ्रॉथ बनेगी उस फ्रॉथ में क्या होगा, पाइन ऑयल प्लस ओर होगा। तो पाइन ऑयल और ओर जो है वो फ्रॉथ के साथ क्यों आ जाएगी, इसलिए क्योंकि पाइन ऑयल जो रहता है उसकी वाटर से डेंसिटी क्या होती है, कम। तो पाइन ऑयल क्या करता है, फ्लोट करता है। तो शुरू शुरू में तो क्या होता है, क्रश्ड ओर नीचे नीचे रहती है क्योंकि ओर भारी होती है, और ऑयल ऊपर ऊपर रहता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग कंप्रेस्ड एयर डालते हैं तो ये पूरा मिक्सचर क्या होने लगता है, घूमने लगता है, और पाइन ऑयल और ओर क्या होने लगती है, एक दूसरे से चिपकने लगती है। क्योंकि पाइन ऑयल की डेंसिटी पानी से क्या होती है, कम होती है, तो वो झाग के साथ क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है। और जब वो झाग के साथ क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है, तो इस पूरी इसको हम लोग स्किम ऑफ करके निकाल लेते हैं। जैसे बाल्टी के ऊपर झाग जमती है तो यू करके निकाल लेते हो ना, इसको कहते हैं स्किमिंग ऑफ। तो यहाँ पर स्किमर्स रहते हैं, स्किमर्स से हम लोग क्या करते हैं, पूरी झाग निकाल लेते हैं। तो जब हम झाग निकालते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है, और मिल जाती है जो किससे चिपकी होती है, पाइन ऑयल से। तो इसको हम लोग धो लेते हैं, और हमारी जो और रहती है वो गैन से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। इज दैट क्लियर? देखो लीचिंग क्या होता है, लीचिंग बेसिकली केमिकल ट्रीटमेंट होता है और का क्या होता है, केमिकल है ना। जनरली लीचिंग जो पढ़ाते हैं वो किसकी पढ़ाते हैं, एल्यूमिनियम की पढ़ाते हैं। एल्यूमिनियम का जो ओर रहता है वो रहता है Al2O3, ठीक है ना, डॉट 2H2O। इसका नाम होता है बॉक्साइट। अब होता क्या है, तो इसकी और क्या होती है, बॉक्साइट होती है। क्या होती है, बॉक्साइट। अब इसमें क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है जैसे कि सिलिकेट्स। तो बॉक्साइट होती है, मेजर इम्प्योरिटी क्या होती है, सिलिकेट्स होती है। अब ये जो सिलिकेट्स रहते हैं ना, ये ना धोने से निकलते हैं ना मैग्नेटिक सेपरेशन से, किसी भी चीज से सेपरेट नहीं होते। और क्योंकि ये सेपरेट नहीं होते तो इसका हमको क्या करना पड़ता है, केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, जो एल्यूमिनियम की ओर होती है, Al2O3 को NaOH से रिएक्ट करवाते हैं। इससे रिएक्ट करवाते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बनता है NaAlO2। ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट, याद है क्या हम लोगों ने पढ़ा था। जब हम लोग क्या करते हैं, इसको सोडियम एल्यूमिनेट से रिएक्ट करवाते हैं, तो जो सिलिकेट्स रहते हैं, जो सिलिकेट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो भी क्या बना लेते हैं, सोडियम सिलिकेट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सोडियम सिलिकेट्स। सोडियम सिलिकेट्स मतलब होता है NaSiO3 करके बना लेते हैं। और ये जो रहते हैं ना, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये क्या रहते हैं, यानी कि पानी में घुलते नहीं है। तो इस पूरे मिक्सचर को हम लोग क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो जब हम इनको सिल्फ फिल्टर करते हैं तो ये जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है ये तो छन जाता है, और सोडियम सिलिकेट जो रहते हैं ये पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ये इंप्योरिटी तो क्या होगी, सेपरेट होगी। लेकिन प्रॉब्लम है कि अब ये जो है कौन, सोडियम एल्यूमिनेट है, इसमें से हम लोग एल्यूमिनियम कैसे सेपरेट करें। तो हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास बन जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरे पास Na और Al क्या हो गए, सेपरेट हो गए। लेकिन स्टिल मेरे को अभी तक क्या नहीं मिला, Al2O3 नहीं मिला। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको फर्दर हीट करूंगी। किसको, Al2O AlOH थ्राइस को जब मैं हीट करूंगी कुछ 1457 केल्विन पे, जब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, Al2O3 प्लस H2O। तो मेरे को क्या करना था, मुझे इसको सेपरेट करना था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इम्प्योरिटी से सेपरेट कर दिया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अब देखो कौन लोगों ने क्या देखा, 5 तरीके देखे, ग्रेविटी सेपरेशन, लीचिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन,
रोटेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है, ये पांचों एग्जाम में नहीं आएंगे, आते हैं तो तुम्हें पता होने चाहिए। जब हमारी ओर एक बार क्या होती है, अच्छे से धुल जाती है, उसमें से सारा गैंग क्या होता है निकल जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट हो गया। कॉन्सेंट्रेशन के पास जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ ओ टू इट्स ऑक्साइड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्यों जरूरी होता है कि आप एक ओर को काय में कन्वर्ट करो, ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करना आसान होता है इन कंपैरिजन सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स या जो भी अदर ओर हो। हम लोग इसलिए कोशिश करते हैं कि हम लोग ओर को क्या करें, पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करें और फिर उसको क्या करें, रिड्यूस करें, ठीक है ना। अब जो पहला तरीका होता है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है और ये छप चुका है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लोग किसी एग्जाम में रोस्टिंग कैल्सिनेशन ना पूछे। अभी पूछ लेंगे, अभी नहीं तो अगली एग्जाम में पूछ लेंगे, उसके अगली नहीं तो अगली में, लेकिन पूछेंगे जरूर, ठीक है। अब रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग होता है हीटिंग एंड ओर। रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग एंड ओर इन अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब बहुत सारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम लोग क्या करते हैं, एक ओर को हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग एंड ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम लोग बहुत कम सप्लाई ऑक्सीजन का देंगे जब हम लोग क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रोस्टिंग स्पेसिफिकली किसके लिए करते हैं हम लोग, सल्फाइड ओर्स के लिए, किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए। और कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए, किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए। रोस्टिंग में जो एंड प्रोडक्ट होता है, रोस्टिंग में जो एंड प्रोडक्ट होगा मतलब रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, जो भी मेरे को मेटल ऑक्साइड चाहिए और साथ में क्योंकि सल्फाइड ओर है, क्योंकि सल्फाइड ओर है तो क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन के केस में जो एंड प्रोडक्ट होता है, क्योंकि कार्बोनेट ओर है, क्योंकि कार्बोनेट ओर है तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड। और मुझे चाहिए क्या था, मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना था, तो मेटल ऑक्साइड अपनी जगह पे मिलेगा ही, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग जिंक की बात करते हैं, तो जिंक की सल्फाइड ओर भी होती है और जिंक की कार्बोनेट ओर भी होती है, तो जिंक की सल्फाइड ओर को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और जिंक कार्बोनेट को हम लोग बिना ऑक्सीजन या बहुत कम ऑक्सीजन के हीट करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो चाहे सल्फाइड ओर हो चाहे कार्बोनेट ओर हो, दोनों में मुझे मेटल ऑक्साइड चाहिए था, दोनों में मुझे मेटल ऑक्साइड मिल भी गया। सल्फाइड ओर को हम लोगों ने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया और कार्बोनेट ओर को हम लोगों ने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया। बोलो कोई परेशानी। नेक्स्ट स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल। अब याद करो हम लोग को मेटल चाहिए था, अभी मेटल किसके साथ चिपका हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, तो अगर हम लोग ऑक्सीजन को हटा देंगे तो मेटल अकेला हो जाएगा, तो ऑक्सीजन को हटाने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन को हटाने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन आई बात समझ में, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन याद है हम लोगों ने पढ़ा था, रिडक्शन होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो देखेंगे मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। क्या देखेंगे, मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ खेल किसका होता है कि आप जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे वो क्या लोगे, आप जो रिड्यूसिंग एजेंट लोगे ऑक्सीजन को हटाने के लिए वो आप क्या लोगे, ठीक है ना। तो इसमें सारी कहानी होती है प्यार की, किससे, ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन यहाँ पे कंपटीशन होता है, जिसको ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार होगा वो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या करेगा, छीन लेगा, वो क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड्स को ऑक्सीजन से, सॉरी ऑक्साइड को मेटल ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को क्या करेगा,
छीन लेगा तो मेटल क्या हो जाएगा, अकेला। हमें करना भी क्या था, मेटल को अलग ही करना था। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, हम लोगों ने यहाँ पर जो लो इन द रिएक्टिव सीरीज होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है HGS और एक होता है CU2S। HGS जो होता है इसको बोलते हैं सिनाबार, ये मर्क्यूरी की ओर होती है। किसकी ओर होती है? मर्क्यूरी की। अब सुनो, सल्फाइड ओर है तो इसके लिए स्टेप वन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रॉथ रोटेशन, क्योंकि कौन सी ओर थी, सल्फाइड ओर, ठीक है ना। सेकेंड, अगर इसको हम लोग को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो रोस्टिंग से करेंगे कि अल्टीनेशन से, तो रोस्टिंग सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। HGS को किससे रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीजन से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, HGO प्लस प्लस SO2। आया समझ में? अब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, अब मुझे इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। अब मुझे क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है। ऐसे में रिडक्शन के लिए मैं क्या करूंगी, HGO को हीट करूंगी। क्या करूंगी, HGO को हीट। मर्क्यूरी को ऑक्सीजन से कुछ खास प्यार है ही नहीं, इन दोनों के बीच में अगर कोई आग लगा देगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, सिंपली हीट से मर्क्यूरी और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, बोलो, कोई परेशानी? सिमिलरली जो CU2S की ओर होती है इसका नाम होता है चालकोलाइट, ठीक है ना। अब क्योंकि सल्फाइड ओर है तो क्या करेंगे, प्रोथ रोटेशन करेंगे। इसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोथ रोटेशन। कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि सल्फाइड ओर है तो यहाँ पर क्या होगी, रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब इसको प्रेजेंस ऑफ एयर में हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, CU2O और SO2। और अब क्या करना है, रिडक्शन। अब क्या करना है, रिडक्शन। अच्छा अब अगेन कॉपर को ऑक्सीजन से कुछ खास प्यार नहीं होता, तो ऐसे में अगर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सिंपली हीट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, सिंपली हीट कर लेंगे, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, मुझे कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अब मुद्दा यहाँ कॉपर सल्फाइड क्यों रखा हुआ है, तो जब कॉपर सल्फाइड को हम लोग रोस्टिंग करते हैं तो फर्नेस में करते हैं, फर्नेस मतलब भट्टी। इसमें उसी फर्नेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल के जाती है और CU2O वहीं रह जाता है, उस फर्नेस में ही रह जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, CU2O को और CU2S को अलग अलग नहीं करते, क्या नहीं करते, सेपरेट नहीं करते, बस कंटिन्यूअसली क्या करते जाते हैं, हीट कर जाते हैं। क्योंकि हमको पता है एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, मेरे को मेरे पास कॉपर अकेला बच जाएगा और साइड में क्या रह जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड रह जाएगा, जो क्या हो जाएगा, वो तो हवा में गैस है तो उड़ जाएगा। बोलो, कोई परेशानी? सुनो, यस मेटल्स इन द मिडल ऑफ द निकल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। जो मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज रहते हैं, ये दो तरीके की कहानी हम लोग को पढ़नी है, ठीक है ना। क्योंकि इनके दो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एक होता है कार्बन या फिर कोक और दूसरा होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या होता है, कार्बन, अगेन प्यार की बात है, जो एलिमेंट्स हैं जिनको क्या है, कार्बन से रिड्यूस होना होगा, यानी कि जिनसे कार्बन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन छीन सकता है, उनको हम लोग कार्बन से रिड्यूस कर देंगे। और मानो कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको ऑक्सीजन से प्यार कार्बन से भी ज्यादा है, तो हम लोग उसको किससे रिड्यूस करेंगे, फिर एल्यूमिनियम से। फिर अगर मुद्दा उठा कि अगर एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है तो एल्यूमिनियम से रिड्यूस नहीं कर सकते, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी ही क्या करनी पड़ती है, पास करनी पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिंक। याद करो, हमने जिंक की दो ओर देखी थी, एक जिंक सल्फाइड और एक जिंक कार्बोनेट, है ना। जिंक सल्फाइड की हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे और इसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। जिंक कार्बोनेट को एज इट इज कैल्सिनेशन के थ्रू हीट करेंगे तो मेरे पास जिंक ऑक्साइड और क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब मेरे को दिख रहा है, मेरे को जिंक ऑक्साइड चाहिए था, मुझे जिंक ऑक्साइड मिल गया, तो मैं जिंक ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करवाऊंगी, कार्बन से रिएक्ट करवाऊंगी। किससे रिएक्ट करवाऊंगी, कार्बन से।
तो मुझे क्या मिल जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि यहाँ कार्बन ने क्या करा, कार्बन ने जिंक से ऑक्सीजन छीन लिया। कार्बन ने जिंक से क्या कर लिया, ऑक्सीजन छीन लिया और क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली जब मेरा लेड होता है, लेड इज PbO, ठीक है ना, इसको जब मैं कार्बन से रिएक्ट करवाती हूँ तो कार्बन लेड से क्या करता है, ऑक्सीजन छीन लेता है और क्या बना लेता है, लेड अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग मैंगनीज और आयरन की बात करें, किसकी बात करें, मैंगनीज और आयरन की, तो मैंगनीज होता है MnO2, आयरन होता है Fe2O3। इन दोनों को हम लोग कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये कार्बन से ज्यादा प्यार करता है, किससे, ऑक्सीजन से। इसलिए इन्हें रिड्यूस करने के लिए हमें किसको बुलाना पड़ता है, इसको रिड्यूस करने के लिए हमें किसको बुलाना पड़ता है, एल्यूमिनियम को। तो जब एल्यूमिनियम आता है तो वो एल्यूमिनियम क्या करता है, मैंगनीज से ऑक्सीजन छीन लेता है। और जब ये मैंगनीज से क्या करता है, ऑक्सीजन छीन लेता है, तो मैंगनीज क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है और यहाँ पर क्या बच जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, सेम कहानी किसके साथ होती है, आयरन के साथ। आयरन जो रहता है वो एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड को हम लोग एल्यूमिनियम के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं और Fe क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और उधर पे क्या बचता है, Al2O3। लेकिन ये जो आयरन वाली रिएक्शन है ना, ये एग्जाम में आने वाली है 26। इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि जो आयरन रहता है वो मोल्टन स्टेट में आता है। मोल्टन मतलब पिघला हुआ। हीट प्रोड्यूस इज सो लार्ज दैट आयरन इज ऑब्टेन्ड इन मोल्टन स्टेट। आयरन इज ऑब्टेन्ड इन मोल्टन स्टेट, पिघले हुए फॉर्म में आता है, ठीक है ना। और क्योंकि ये इस तरीके से आता है तो ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, वेल्डिंग ऑफ रेलवे रेलवे ट्रैक्स।